और अभी आपको अहम खबर दें, पुलिस ने छापा मारा है राणा मशहूद के घर। पंजाब पुलिस ने राणा मशहूद की गिरफ्तारी के लिए उनकी रिहाइश गाह पर छापा मारा। राणा मशहूद का यह कहना है, पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, मैं घर पर नहीं था। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ मलिक से। आरिफ, छापा मारा गया, गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी? जी, गिरफ्तारी तो अमल में नहीं आ सकी। ये राणा मशहूद का दावा भी है कि उनके घर पर छापा मारा गया है और पुलिस ने जो है ना थोड़ी देर पहले उनके घर पर आई है और देखा है घर के अंदर, लेकिन मैं वहां पर मौजूद नहीं था। दूसरा, पुलिस ने अताद तारण के घर पर भी छापा मारा है, वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे। अताद तारण भी इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। और ये जो गिरफ्तारियां की जा रही है, ये जो 16 अप्रैल का वजीर अला पंजाब का इलेक्शन हुआ था, उस दौरान जो परवेज अलाई जो वजीर अला है इस वक्त उनकी बाजू टूटी थी, उस हवाले से उनकी गिरफ्तारियां की जा रही है कि इन्होंने ईवान के अंदर हंगामा राय और एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने यह फैसला दिया और मंजूरी दी कि इन्होंने हंगामा राय किया और इन्हें सजा दी जाए। तो ये सजा उसकी गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन जो PMLN का इसके अंदर मौकफ है, जो राणा मशहूद का और तादारण का मौकफ है, वो उनका उनके मुताबिक ये जो गिरफ्तारी का और हमारी का की जा रही है, ये सिर्फ जो अब इलेक्शन हुआ है वजीर अला पंजाब का, उसकी बैलेट सिक्योरिटी के ऊपर हमने एहतियात किया है कि उसके ऊपर हमारे हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं। जबकि ये 16 अप्रैल को जो वजीर अला का इलेक्शन हुआ था, जिसमें परवेज अलाई जख्मी हुए थे, कि उस हवाले से मुकदमा भी की बनाया गया और इसके ऊपर कमेटी बनाई गई थी और ये उसके अंदर गिरफ्तारियां की जा रही है। ठीक है आरिफ मलिक, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। आरिफ मलिक बता रहे थे, राणा मशहूद के घर पुलिस ने छापा मारा। 16 अप्रैल को परवेज इलाही को तशद्दुद करके ज़ख्मी किया गया था, उसका मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी केस के सिलसिले में पुलिस ने छापा मारा। लेकिन पुलिस की नफरी जब राणा मशहूद के घर पहुंची तो राणा मशहूद घर पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। राणा मशहूद ने कहा, मैं घर पर मौजूद नहीं था, पंजाब पुलिस मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। पंजाब पुलिस पहुँची राणा मशहूद की रिहाइशगाह पर। 16 अप्रैल को परवेज इलाही को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था, जिसमें उनका बाजू भी टूटा था। उस वक्त जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे की कार्रवाई के लिए पुलिस राणा मशहूद की रिहाइशगाह पहुंची, लेकिन राणा मशहूद यहां पर मौजूद नहीं थे। पुलिस की नफरी यहां पर कुछ देर मौजूद रही, राणा मशहूद की गैर हाजिरी की वजह से यह गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।